This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कहते हैं हिम्मत और हौसला हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है, और ऐसे में किस्मत साथ दे दे तो फिर क्या कहने। ये एक ऐसे स्टार की कहानी है जिसका जीवन भयंकर मुश्किलों में बीता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्टर अरशद वारसी की। वो इसलिए क्योंकि आज है उनका हैप्पी बर्थडे। बॉलीवुड के सर्किट 53 साल के हो गए हैं। जाने माने एक्टर अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 में मुंबई में हुआ। अरशद जब 14 साल के थे तो उनके माँ बाप का निधन हो गया। बताया जाता है कि उनके पिता को कैंसर था। अब सोचिए ऐसे हालात में उनका बचपन कितनी मुश्किलों में बीता होगा। मुश्किल का दौर शुरू हुआ तो जीने के लिए अरशद ने 17 साल की उम्र में ही सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। इन हालातों का असर सीधे उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा और वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाए। सेल्समैन के बाद उन्होंने एक फोटो लैब में काम करना शुरू किया। डांस में इंटरेस्ट होने की वजह से वारसी को मशहूर कोरियोग्राफर अकबर सामी के डांस ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला और उनका रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। यहीं से उन्होंने कोरियोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साल 1987 में आई फिल्म ठिकाना और काश में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ काम किया। साल 1991 में अरशद वारसी ने इंडियन डांस कंपटीशन का खिताब अपने नाम किया और 21 साल की उम्र में लंदन में हुई मॉडर्न डांस चैंपियनशिप में जैज कैटेगरी में 4th इनाम भी जीता। जीते हुए पैसों से अरशद वारसी ने औसम नाम से अपना डांस स्टूडियो खोला और फिर अरशद तेजी से आगे बढ़ते चले गए। अपने डांस के साथ साथ एक्टिंग का हुनर रखने वाले अरशद वारसी को 1996 में पहली बार फिल्म में बतौर हीरो काम करने का मौका मिला, जब अमिताभ बच्चन की होम प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले पहली फिल्म बनी। 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने से अरशद ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म हिट रही और कई लोग अरशद को बतौर एक्टर जानने लगे, लेकिन इसके बाद 2003 तक उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो खास नहीं चली, एक के बाद एक फ्लॉप रही। बावजूद इसके अरशद ने हार नहीं मानी। 2003 में उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी पहचान ही बदल दी। पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे अरशद वारसी जैसे ही मुन्ना भाई MBBS के सर्किट बने, इनकी दुनिया ही बदल गई। मुन्ना भाई MBBS में अरशद वारसी ने सर्किट का किरदार निभाया जिसमें उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। उनकी कॉमेडी टाइमिंग के कई आलोचक भी कायल हो गए। ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, पर इसका फायदा ये हुआ कि अरशद में अब डायरेक्टरों को अच्छा कॉमेडियन भी दिखने लगा। इसके बाद उनके सामने एक से बढ़कर एक फिल्मों की लाइन सी लग गई। मुन्ना भाई MBBS के लिए पहली बार अरशद वारसी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। मुन्ना भाई MBBS के बाद अरशद की कई फिल्में हिट रही। इन फिल्मों में मैंने प्यार क्यों किया, सलाम नमस्ते, गोलमाल और लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अरशद वारसी की फिल्म इश्कियां भी कामयाब फिल्मों में से एक रही। एक तरफ जहां अरशद वारसी ने अभिनेता संजय दत्त के साथ कॉमिक रोल किया, तो वहीं अजय देवगन जैसे अभिनेता के साथ गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स और संडे जैसी फिल्मों में निभाए गए उनके कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया। धमाल, डबल धमाल, जॉली LLB, फ्रॉड सैया, जिला गाजियाबाद जैसी फिल्मों में भी अरशद वारसी के अभिनय को जमकर सराहा गया। इनके अलावा भी बॉलीवुड के सर्किट ने दर्जनों फिल्मों में भी काम किया और अपने अभिनय से एक अलग छाप छोड़ दी। एक्टिंग के साथ साथ फिल्मों में अरशद वारसी खास डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके फनी डायलॉग्स ऑडियंस को खूब एंटरटेन करते हैं। अरशद वारसी को छोटे पर्दे यानी TV शोज में भी देखा गया। उन्होंने बिग बॉस के पहले सीजन को होस्ट किया था। कुछ रियलिटी शोज में उन्हें जज के तौर पर भी देखा गया। अरशद वारसी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1999 में उनकी शादी विजय रह चुकी मारिया गोरेटी के साथ हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। बर्थडे के खास मौके पर ये थी बॉलीवुड के सर्किट की कहानी। हमारी तरफ से भी अरशद वारसी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।